नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हसलो हसलो हसलो, आज उंगली कटी है, कल मेरा पांव कटेगा, उसके बाद हाथ कटेगा, एक दिन मेरी गर्दन कटेगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, तबाह हो जाऊंगा। इस टोपी लाल ने मुझे जिंदगी के अंदर इतनी टोपी बनाई है कि मैं तो जीरो हो गया हूं। मेरा बैंक अकाउंट जीरो, करंट अकाउंट जीरो, सेविंग अकाउंट जीरो, घर था वो भी गिरवी हो गया है। हे भगवान, मेरे पास ये जिंदगी का आखिरी 500 रुपए बचे हैं, मैं तेरे चरणों में अर्पित करता हूं। भगवान मुझे एक अच्छी सी धर्म पत्नी दिला दे, मेरी बीवी बना दे, मेरे बच्चों की माँ बना दे। भगवान ना ये दक्षिणा लेगा और ना तो तेरे लिए दुल्हन भेजेगा, इस पर तो मेरा अधिकार है। तेरे ऊपर पुलिस का अधिकार है, तूने मुझे जिंदगी भर टोपी पहनाई, मुझे बर्बाद कर दिया। मैं तेरे लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ूंगा, हाई कोर्ट में लड़ूंगा, प्राइम मिनिस्टर के पास जाऊंगा, तेरे को मैं जेल के अंदर करवा दूंगा। तूने मुझे इतना लूटा है कि मैं पागल हो गया हूँ, धर्म पत्नी के चक्कर में तूने मुझे बर्बाद कर दिया, लड़कियों की फोटो दिखा दिखा के मुझे बर्बाद कर दिया। नहीं, नहीं, इस बार तो मैं तुम्हें टोपी पहनाने नहीं आया हूँ। टोपा पहनाने आये? नहीं, टोपा भी नहीं, टोपी भी नहीं, लेकिन मैं तुमको मदद करने आया हूँ। तेरी शादी करवा दूंगा किसी के साथ भी। इस बार तेरे को तेरी माँ की कसम, माँ की कसम, तेरे बाप की कसम, मेरी बाप की कसम, तेरे होने वाली औलाद की कसम, मेरी होने वाली औलाद की कसम, अगर तूने मुझे धोखा दिया, हाँ? तेरे को वो कीड़े पड़ेंगे जिनको पहले से कीड़े पड़े हो। देख, एक शरीफ आदमी को धोखा देना पाप होता है ना, बस मेरी शादी करा दे। हाँ, करा दूंगा, करा दूंगा। इसके लिए मैंने लड़की भी चुन ली है, ये देख, बहुत ही खूबसूरत है, अनमोल मोती है। क्या हुआ, कहाँ अटक गए तुम? पानी 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 आएगा, पानी आएगा बाद में, पानी पानी। ये तो रानी है, रानी है। इसके साथ मेरी शादी होगी? हाँ, मैंने तुम्हारी कुंडी इस लड़की को बताई और दोनों की कुंडली मिलाई तो लड़की कहती है कि इसी कुंडली वाले के साथ शादी करूंगी, जिंदगी में अगर शादी करूंगी तो। तू सच बोल रहा है? सच बोल रहा हूँ। इसका पता किधर है? उसका पता है झुमरी तलैया, वहाँ पर है एक पुलिया, उसके नीचे है एक झोपड़िया और झोपड़िया पर एक आशिक की लड़की है खोपड़िया, वहाँ पर है। इसका बाप बूढ़ा है, बूढ़ा है, जल्दी मरने वाला है, मरेगा, उसके बाद इसकी सारी जायदाद मेरे को मिल जाएगी, मिल जाएगी। आजकल कोई बीमारी नहीं पड़ता है, जब देखो तो अपनी तबीयत देखता रहता हूँ। आ जा रे आ जा, कोई गिरा गा, आ जा, आ जा रे आ जा, कोई गिरा गा, आ जा। नमस्ते डॉक्टर साहब। सस्ते कंडक्टर साहब, यहाँ पर कोई कंडक्टर साहब नहीं रहते हैं, यहाँ तो डॉक्टर साहब रहते हैं, और मेरा नाम है कमलमल झाड़ूमल भांड। नाम है कि कचरे का डब्बा? माफ करना, आप शक्ल से डॉक्टर कम, मरने के बाद अस्पताल से भागे हुए मरीज लगते हो। कमीज, कमीज तो मैंने पहनी हुई है भाई, तुमको काम क्या है वो बताओ ना। हाँ, काम की बात तो मैं भूल गया, मेरे को तुम्हारी बेटी रानी के साथ शादी करनी है। पानी, पानी पीना है तो वहाँ सामने मटके में है ना, पानी पी लो। कौन से झाड़ पर पैदा हुआ ये? पानी नहीं राने, राने, पानी नहीं राने, रानी के साथ मेरे को शादी करनी है। अरे खादी चाहिए तो कपड़े वाले की दुकान पर जाओ, यहाँ कहाँ मिलेगी तुमको। अरे रे रे रे, लगता है इसके प्लास्टिक के कान बने हुए हैं, कुछ सुनाई नहीं देता। खादी नहीं, मेरा नाम शादी लाल है और मैं तुम्हारी बेटी रानी के साथ शादी करना चाहता हूँ। मुझसे शादी करना चाहते हो? तेरे साथ तो तेरा बाप भी शादी ना करे, मैं क्या करूँगा। अबे ओ, गुंगों के कब्रिस्तान में अंधों की कब्र खोदने वाले बैरे, मैं तेरी बेटी रानी के साथ शादी करना चाहता हूँ, मेरा नाम शादी लाल।
इतना चिल्लाते क्यों? मैं बह रहा हूँ क्या? तुम्हारे नाम में शादी लाल है ना? टोपीलाल ने तुमको यहाँ पर भेजा है ना? तुम सही जगह पर आए हो। चिल्ला चिल्ला कर मेरा गला सूख गया, चिल्ला चिल्ला कर मेरा गला बैठ गया, तब साले के जाके कान खड़े हुए हैं। क्या खड़ा हुआ? अब तुम्हारे होते हुए कुछ खड़ा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी बेटी रानी के साथ शादी करना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, तो तुम रानी के साथ शादी करना चाहते हो? जी। अच्छा, तो मैं तुमको एक सवाल पूछता हूँ, उसका जवाब दो। हाँ, तुमको खाना पकाने आता है? आता है। कपड़े धोने आता है? आता है। बच्चों को नहलाने धुलाने आता है? आता है। लेकिन आप ये सब सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरी बेटी रानी है ना, उसके पहले शोहर के 2 बच्चे हैं, दूसरे के 4 बच्चे हैं, तीसरे के 8 बच्चे हैं और चौथे के 16 बच्चे हैं। शादी के बाद इन सब बच्चों को तुम ही संभालोगे ना? जिस घर के अंदर औरत का लेबल लगा हो, मैं उस घर के अंदर घुसता नहीं। और ये देखो, मुझे 12 बच्चे, 6 बच्चे, ओ चला हुआ कारतूस, वो वाली बंदूक हाथ में पकड़ा रहा है। नहीं, मुझे मिलने दो टोपी लाल से, मैं साले को इतने जूते मारूंगा कि उसका नाम टोपी लाल से जूते लाल हो जाएगा। रही बात तुम्हारी, वाह शादीलाल वाह, टोपीलाल ने फिर टोपी पहना दी ना। वाह टोपीलाल, यू आर द ग्रेट मैन। जमुना मुझे माफ कर दे रे, मैं गंगा के पानी से नहाकर आया हूँ। मेरा नाम है जमुरा, जो हमेशा अधूरा काम को करता है पूरा। शाबाश जमुरे शाबाश, जमुना अपना हर वादा पूरा करती है रे। आज से तू मेरा दाहिना हाथ होगा। अरे यही तेरा दाहिना हाथ हर निशाने पर लगेगा, तू फिकर मत कर। हमारा पहला शिकार होगा हरामखोर अजमेर सिंह। तो ठीक है, उस अजमेर सिंह को अगर मैंने अजमेर शरीफ के दर्शन न करवाए तो मेरा नाम भी जमुरा नहीं। आए अस्सलाम वालेकुम कमिश्नर साहब, माशाल्लाह आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी लाया हूँ। क्या है? वो गंगा नगर के चौधरी के यहाँ, उसके यहाँ आज गंगा डाकू डाका डाल रही है। आप कौन है? मैं खातम तो सिर्फ कब्रिस्तान में मुर्दे गाड़ता है। आप जाइए और मुर्दे गाड़िए, गंगा डाकू को हम देख लेंगे। या अल्लाह, आज तो जुमे रात का दिन है, 10 उर्दे और मैं दो। जाइए जाइए जाइए, तो अच्छा हो। चलिए जाइए। सर आपने मुझे बुलाया? हाँ विजय सिंह, खबर मिली है कि डाकू गंगा चंदनपुर के चौधरी के यहाँ डाका डालने वाली है। लेकिन असलियत है कि गंगा नहीं बल्कि जमुना पालनपुर के अजमेर सिंह के यहाँ डाका डालेगी। सर ये गुमराह करने की कोशिश किसने की? डाकू जंगूरा सिंह ने। ओ, एक कबर खोदने वाले के फेस में आया था वो। तो सर आपने उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? उसे जाने दिया ताकि वो जमुना को बता दे कि उसने पुलिस को गुमराह कर दिया है। हम चंदनपुर नहीं पालनपुर जाएंगे। ओके सर। देखा जमुरा, जहां जमुना के पैर गिरते हैं वहां मौत का सन्नाटा छा जाता है। नहीं जमुना नहीं, ये सन्नाटा तेरी वजह से नहीं, जमुरा की वजह से हुआ है। क्योंकि जमुरा के पेट में मक्कारी भरी हुई थी, झट से वो मक्कारी बाहर आई और सन्नाटा छा गया। जो क्यों? क्योंकि मैंने कमिश्नर के कानों में हल्के कुत्ते की तरह सब कुछ बक दिया रे। लुलू लुलू। जमुना, पुलिस को बेवकूफ समझने वाले कुत्ते, मैं तेरी चाल तेरे मुंह पे फटे हुए जूते की तरह मार रहा हूँ। भागो,
चील के पंजे से चूजा, बाज के पंजे से नेवला, बिल्ली के पंजे से चूहा और पुलिस के पंजे से डाकू कभी नहीं बचते। यू आर अंडर अरेस्ट। देखा जमना, गंगा किसी का कर्ज बाकी नहीं रखती, चाहे वो दौलत का हो या फिर जिंदगी और मौत का। गंगा, मौत तो हम तुझे देंगे, वो भी ऐसी भयानक मौत जिसे देखकर आसमान का सीना कांप उठेगा और धरती का कलेजा फट जाएगा। ये जमुना की ललकार है, तेरी ललकार को गंगा की ताकत बेकार कर देगी, क्योंकि मैं तुझे इस तरह मौत का मेहमान बनाऊंगी कि मौत को भी पसीना आ जाएगा। ये गंगा की ललकार है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अगर सूरज ढलने से पहले तेरी पत्नी पैसा लेकर नहीं आई तो तेरी खोपड़ी के नारियल जैसे 10 टुकड़े कर दूंगी। देख, छोड़ दो मुझे। आ गई रे तेरी जोरू, बड़ी पति भक्त है रे, बहुत जल्दी पैसा लेके आ गई। आजा सरदार, इसमें 5,000 कम है, ये ले लो। मेरे पति को छोड़ दो, उसे छोड़ दो। पति भी पूरा नहीं मिलेगा, एक टांग कटा हुआ मिलेगा। नहीं, इस औरत ने अपने पति की जान बचाने के लिए अपना सब कुछ बेच दिया। जमुना ऐसी औरतों की इज्जत करती है रे। इन दोनों की आंखों पर पट्टी बांधकर इन्हें अड्डे से बाहर कर दो, ले जाओ। तू इंसान नहीं, हरामी की औलाद है। मैं कुत्ते का बच्चा? हल्के कुत्ते का बच्चा। मेरा नाम है जंगूरा, जो हमेशा अधूरा काम करता है पूरा। कर रहा था, कुछ कर रहा था। आपने करना है तो आप ही कर लीजिए, आइए। इसलिए तेरी माँ का नाम है ताड़ी और बाप का नाम है धतूरा है। अरे, तू तो साक्षात भगवान है, अंतर्यामी है। तुझे इस कुत्ते के माँ बाप का नाम कैसे पता चल गया? मुझे यह भी मालूम है कि तू अपने माँ बाप की औलाद नहीं, पड़ोसियों की औलाद है। हरामी है तू, हरामी, इसलिए हमेशा हरामपंथी करता है, औरतों पर गंदी नजर रखता है। लेकिन आज के बाद मैं तेरी आंखों में ऐसा काजल डालूंगा कि हर औरत तेरे को माँ, बहन और बेटी नजर आएगी। गोली मत मारना, गोली मत मारना। भाग, भाग, क्योंकि तेरी जिंदगी के और कुछ दिन बाकी हैं। मैं भागूंगा तो कुत्ते की तरह भागूंगा। पहले जरा चल, मैं अपनी दुम दिखा दूं तुम्हें। भाग, भाग कुत्ते, भाग, भाग कुत्ते। अरे गंगा किधर गई? मैं यहाँ। गंगा, मजबूत हड्डियां है रे तेरी, जो एक मर्द को दर्द देके सर्द कर गई। तुझे भी ऐसा ही दर्द दूंगी जिसका कोई इलाज नहीं होगा जमुना। तू तो पहले से ही थकेली है रे, तू क्या जमुना को दर्द देगी? शेरनी कितनी भी थकेली हो जमुना, आखिर में लोमड़ी को दबोची लेती है। आज फैसला हो जाएगा कौन किसको दबोचता है। हो जाए। Yeah!
मर गई साली, आई थी गंगा से टकराने।